This is Richard Parker, MI6. You have a gift for my country. Indeed. Please come. कैसे पकड़ा गया? Heathrow Airport पर, fake documents के साथ. Omar Zafar, India का most wanted criminal, जिसे हम कई सालों से ढूंढ रहे हैं. कर क्या रहा था वो लंदन में? Russian coast पे कोई private island है. सुना है उसे खरीदने आया था. Terrorism के business में recession नहीं होता ना. हाँ माँ. हाँ जी माँ. मैं करता हूँ आपको थोड़ी देर में. सब ठीक है ना? या ऑल ओके. स्वेटर पहना? हाँ माँ स्वेटर पहना है. नहीं पहना होगा. आपको कैसे पता नहीं पहना है? तुम दोनों की ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है? अच्छा सुन जय कह रहा था. करता हूँ थोड़ी देर में. बाय. वेलकम कर्नल नंदा. बड़ी शिद्दत से आप हमें तलाश रहे थे. मैं खड़े होकर सैल्यूट करता हूं मगर क्या करें, हाथ में पिज्जा है और आज मैं थोड़ा सा थका हुआ. वुड यू लाइक अ स्लाइस? तुम खाओ. एक बार तैयार पहुंच गए फिर पिज्जा सीधा फांसी के तुम मिलेगा. आखिरी ख्वाहिश पे, वो भी एक्स्ट्रा चीज के साथ. वेक अप कर्नल, ये तुम्हारा दिल्ली नहीं लंदन है. लंदन, मुझे एक बात बताओ, आज तक कितने मुजरिमों को तुम लोग यहां से हिंदुस्तान ले जा चुके हो? नन, एक भी नहीं. एक नई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इस वक्त तैयार की जा रही है जिससे किसी देश के मुजरिम को बिना अपील 72 घंटों के अंदर अपने देश रवाना कर दिया जाएगा. बहुत जल्द तुम हिंदुस्तान की अदालत में हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगोगे उमर सफर. और फिर क्या? ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, ये जज के लिए और ये पुलिस और नेताओं के लिए. भूखों का देश है तुम्हारा कर्नल, मक्कारों का देश जहां हर कोई कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए खड़ा है. और तुम्हारे कुछ नेता अपने सफेद चोगे उतारकर करप्शन के बाजार में हमेशा नग्न नाच करने के लिए तैयार रहते हैं. अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या हो, उनकी तरह मक्कार या उनके आगे तुम हिलाने वाला कुत्ता? We'll be right back.
कोई आखिरी ख्वाहिश? मे बी सम पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज, हाँ, मगर तुम्हारे पास 30 मिनट है कहां, क्योंकि तुम्हारी मौत का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। जो देश के लिए लड़ते हैं उनकी मौत का काउंटडाउन उनकी पहली सांस के साथ शुरू हो जाता है। तूने बहुत लोगों की जाने ली होंगी सफर, पर इन आंखों में गौर से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। बहुत जल्द ऐसी आंखों में तुझे अपनी मौत नजर आएगी। ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काउंटडाउन शुरू। 10, 9, 8, 0 आखिरी बार अपनी मां से बात करना चाहोगे? नई ट्रीटी के बारे में तुमने सुना है? सुना है भाई, हमारा एक भी आदमी कहीं महफूज नहीं रह पाएगा अगर ये ट्रीटी साइन हो गई तो। नहीं होगी, एक पुराना जख्म जो अब तक नहीं भरा उसे ताजा करना होगा। कोहिनूर चुराना तो नामुमकिन है। मुमकिन करो हमीद, मुझे कोहिनूर चाहिए और चुराने वाला हिंदुस्तानी होना चाहिए। 120 करोड़ की आबादी में कोई तो होगा जो ये काम कर पाएगा। ढूंढो उसे। Official confirmation that the Koinor has just been stolen from the Tower of London. This कैसे हो सकता है? Tower of London के security guard के आँखों के सामने से कोहिनूर हीरा चोरी हो गया। Tower of London की सुरक्षा में सुरंग की बातें भी खबरों में आ रही हैं, लेकिन MI6 इन बातों को बेबुनियाद बता रहे हैं। When the collection was opened for inspection, they realized only the Koinor was missing. हालांकि तकरीबन 500 CCTV कैमरों की जांच की जा रही है, इस जांच के बाद ही शायद कुछ चीजें साफ हों। और अब हम आपके सामने लाना चाहते हैं कोहिनूर का विस्तृत इतिहास। कहा जाता है कोहिनूर का जन्म हुआ तमिलनाडु की धरती में और जवानी बीती दिल्ली, राजपूत, मुगल, अफशारिद, दुरानी और सिखों के ताजों पर। जब अंग्रेजों ने भारत को लूटा और क्वीन विक्टोरिया बनी एम्प्रेस ऑफ इंडिया, तो भारत के ना चाहते हुए भी अंग्रेज अनमोल कोहिनूर को सात समुंदर पार ब्रिटेन ले गए। खेद है हमें रुकावट के लिए। There was one unidentified male found in the Tower of London. कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई तस्वीर नहीं। ये कोई मामूली नहीं, बड़ा ही शातिर चोर है। इस चोर को हिंदुस्तान का हीरो बताया जाता है। तो कौन है ये आदमी? इनविजिबल चोर, कोहिनूर चोर। इन्हीं कुछ नामों से लोग उसको बुला रहे हैं। Who is this? सदी की सबसे बड़ी चोरी जिसका कोई सुराग नहीं। इस चोर और पुलिस के खेल में कौन जीतेगा ये तो पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लोग उस चोर का चेहरा जरूर देखना चाहेंगे जिसने बड़ी सफाई से बेशकीमती कोहिनूर हीरा उड़ा दिया। कौन है ये, कहाँ है ये, कब पकड़ा जाएगा ये? पुलिस को इसकी तलाश है, लेकिन वो कहाँ है किसी को पता नहीं। Thank you.
अरली, ओ तू नहा रही है? दादी बाहर जाओ। हट। दादी प्लीज बाहर जाओ ना। चुप। बचपन से तुझे बिना कपड़ों के देखा है, तुझे नहलाया है, तेरी नैपी चेंज की है। दादी अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बाहर जाओ। ऐसा तुझे लगता है? ओए कान के पीछे से भी साफ कर। दादी और सुन, तुझे पता है किसी ने कोहिनूर चुरा लिया? प्लीज मेरा टावल दीजिए। हाय जीवंती, ऐसी नौजवान अब कहाँ मिलती? अशोक कुमार, देवानंद, I just want to meet a man like that, जो हीरे के साथ साथ दिल भी चुरा कर ले जाए। चुरा के गया सपना मेरा। तो आप प्लीज उसके बाथरूम में जाइए, मुझे मेरा टॉवल दीजिए। कोहिनूर भारत की संपत्ति है, यदि कोई भारत का यह अनमोल रत्न भारत को वापस लौटा देता है तो उसे भारत रत्न मिलना ही चाहिए। जिसने भी चुराया है उसको मेरी भी उम्र लगे। दादी आप बिल्कुल पागल हो। खास तू भी होती मेरी तरह, तू तो बहुत ही बोरिंग है, हमेशा कल्ली रहती है, जबकि सारियां कुड़ियां से बॉयफ्रेंड है। दादी मुझे ऐसा कोई मिला नहीं अब तक। ओके पर तू इतनी चूजी क्यों है? तेरी उम्र भी तो मेरे 30-40 अफेयर हो चुके थे, इतना भी क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं। मुझे ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना दादी। अरे तुझे क्या पता प्यार क्या है? प्यार तो वो है संतरी थमे रही, कैमरे जमे रही और सीने की तिजोरी से कोहिनूर चोरी हो जाए। मॉर्निंग भाई। किसने चुराया? सर जब आपने कोहिनूर पे इनाम की बात फैलाई थी तो सिर्फ इस एक आदमी ने जवाब दिया था। किसके तो? शोएब। कहा सईद ने उसे भेजा था, वसीम उसे जानता है और सकलेन के लिए उसने काम भी किया था। पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप नहीं पूछा, हिंदुस्तानी है। ऐसा कमाल तो कोई हिंदुस्तानी कर सकता ना भाई। देशभक्ति जा रही है। सॉरी भाई, हीरा इंडिया पहुंचते ही वो हमें कॉन्टेक्ट करेगा। कीमत? $5 million। ठीक है। कैश दे। हाँ ट्रक में लाद के ले जाना। जी लड़ी फूल, मॉरिशस में बेनामी अकाउंट खोलो, हीरा मिलती है उसके नाम ट्रांसफर कर देना। मुंह मत खोलो, बैंक जाओ अकाउंट खोलो। नमस्ते मैम साहब। Thank you, Arlene. No problem. Hey, Arlene. Thanks for my coffee. You're welcome. Hello, Bank of Shimla. Speak here, please. Hello. Bank of Shimla. How can I help you? आपके वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कहाँ है? कॉरिडोर से तीसरा कैबिन टू द राइट। पर वो रिजाइन कर चुके हैं, कैबिन में कोई नहीं है। अब है? कौन है? मैं हूँ ना, करण सक्सेना, बैंक ऑफ शिमला का यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट। वैसे बैंक मेरे मामा जी का है। ओह, आई एम सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। नाम? हरलीन सहानी। मैरिड? नहीं। बॉयफ्रेंड? नहीं। होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कैबिन में आ जाओ, फाइनेंस स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है। स्ट्रेटजी? पर मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। ओहो रिसेप्शनिस्ट ही रहना है, सही दोस्त बनाना भी फाइनेंस स्ट्रेटजी है डार्लिंग। समझी? अगर किस्मत को बदलना हो तो आ जाता हूँ। क्यों अकेले बैठ के आइसक्रीम खा रही हो?
इस वक्त आपके फ्रेंड्स अपने मिस्टर राइट के साथ एक रोमांटिक से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। बट यू डोंट वरी, बिकॉज आपकी जिंदगी भी बहुत जल्द चेंज होने वाली है। truelove.com एक ऐसी साइट जहां आपकी नई एक्साइटिंग एंड रोमांटिक जिंदगी शुरू होने का इंतजार कर रही है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रजिस्टर नाउ ऑन truelove.com, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी भी उस गोद में पड़ी आइसक्रीम की तरह ठंडी की ठंडी ही रह जाए। फ्रेंड्स, आज 30 सालों के बाद मिसेस शर्मिन कपारिया हमारे बैंक से रिटायर हो रही है। मिस जी, मिस कपारिया। वो कौन है? मैं। आपने अभी तक शादी नहीं की? वाओ। शादी के लिए टाइम कहाँ से निकालती? इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बैंक में ही गुजार दी है। 30 सालों में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, ना कभी देर से आई और ना ही कभी जल्दी गई। पूरी जिंदगी अकेली ही रही है, तो शायद आगे भी अकेली। तो तुम हो? अगर उस बैग में वो है जो मैं सोच रहा हूं, तो मैं वो हूं जो तुम सोच रहे हो। अब्दुल आया, आप ऑर्डर लाया, 4 बुना गोश्त, 2 सीख कबाब, 2 हलीम और आपका मेरा फेवरेट फिरनी। तुमने ऑर्डर किया? ए अब्दुल, फिर से गलत ऑर्डर दे रहा यार, वहां टेबल नंबर 7 पर। कभी कभी गलती हो जाती है, सॉरी। मॉरिशस के एक अकाउंट में $5 मिलियन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहां मेरे हाथ चमके, वहां तुम्हारी किस्मत। जल्दी क्या है, पहले एक दो बातें हो जाएं, भूख भी लगी है, कुछ खा लेते हैं। अब्दुल, दादी मैं बॉर्डर पे जंगलरनी नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ डेट पे जा रही हूँ। तेरा घर बस रहा है, अब मैं चैन से मर सकूँ। बस मैं लेट हो जाऊंगी। रुक, ये ले दादाजी की गाड़ी। ये तेरे दादाजी की जान थी। हाँ दादी, पता है आप दोनों अपनी पहली डेट पर इसी में गए थे। मुझे मेरा ट्रू लव इसमें मिला था और आज तुझे भी तेरा ट्रू लव इसी में मिलेगा। बाय दादी। ओके बाय। तुम हमारे जाने के बाद भी खा सकते हो। यार मैं खाली पेट सोच नहीं सकता हूँ। सोचना क्या है, कीमत तय हो चुकी है। एक हाथ दो, एक हाथ लो। दोनों हाथ गंदे हैं। धमकियां बहुत महंगी होती हैं। कितनी महंगी? 5 मिलियन की एक। अब तुम तीनों ने गलती की तो अब कीमत है $20 मिलियन। गलत। कीमत अब 0 है।
चुपचाप हीरा हमारे हवाले कर दो। अपने अपने नाक साफ कर लो। तुम्हारी लस्सी में एक ड्रग है, ठीक 5 सेकंड में तुम्हारे मुंह से एक पिंक झाग निकलेगा और तुम सब बेहोश। उप्स। आइला, फिर से गलती हो गई। अरे साहब, वो लस्सी आपके टेबल पे देना था ना। थैंक यू अब्दुल। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से प्रेशर है। अपोजिशन बेस कोहिनूर हीरे की चोरी के लिए सपोर्ट कर रहा है। इसका असर हमारे एक्सट्रैडिशन ट्रीटी पर होने वाला है। बेवकूफ हैं ये लोग। एक्सट्रैडिशन ट्रीटी किसी भी हालात में रुकनी नहीं चाहिए सर। सर, कोहिनूर हीरा ढूंढना बहुत जरूरी है सर। सर सर, शिमला माल रोड पे फायरिंग हुई सर। तो पुलिस की प्रॉब्लम है सर, लेकिन आपको सीसीटीवी फुटेज देखना चाहिए सर। यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? आई एम हरलीन। मैं मिस्टर विकी से मिलने आई है, राइट? आपको कैसे पता? TrueLove.com के साथ हमारा टाइम है। कम विद मी प्लीज। हैव अ सीट। अपने स्पेशल दोस्त के बारे में कुछ भी जानना हो तो दिस। हैव अ नाइस टाइम मैम।
gentlemen, are you ready to win the Shimla Dance Festival? Be there tomorrow at 7 p.m. Bring your partners. Have a great time. I'm Vicky. Harleen. Hi, Harleen. Nice to meet you. तुम बहुत लेट हो. और तुम बहुत खूबसूरत हो. I'm sorry. मैं इतना लेट हूँ. I'm just. Please sit. तो तुम ये पहले कर चुके हो? क्या? Restaurant में. With a beautiful girl. एक दो बार. Internet dating. TrueLove.com. TrueLove.com. हाँ नहीं ये first time. It's my first time. मेरा भी. आ. तो तुमने मुझे क्यों चुना? Really? Look at you. पर मैंने अपनी फोटो नहीं दी. हाँ, of course. पर जिस खूबसूरती से तुमने अपने आप को डिस्क्राइब किया, I was just. पर मैंने तो सिर्फ दो वर्ड्स लिखे. Bank receptionist. Exactly. इन दो शब्दों में एक कहानी छुपी है. किसकी कहानी? मेरी नानी की. मेरी नानी भी एक बैंक रिसेप्शनिस्ट थी. बैंक के रिसेप्शन पर कॉल्स रिसीव कर करके हम सबको पाला पोसा. और फिर एक दिन बैंक के रिसेप्शन पर अपना आखिरी कॉल ट्रांसफर करते हुए वो खुद ट्रांसफर हो गई. क्या पियोगी? Some wine? Thank you. You're welcome. French. Indian है सर, नासिक से. हाँ, चलो. Enjoy man. Thanks. तो तुम बहुत चावल करते हो. करना पड़ता है. दुनिया को जो बचाना. हाँ? मच्छरों से. मैं ओडोमॉस के लिए काम करता हूँ. और तुम? Travel करती हो? नहीं. 10 साल की थी जब कनाडा से दादी मुझे यहाँ ले आई. मेरे मॉम डैड एक रोड एक्सीडेंट में. तब से मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं गई. पर एक दिन जॉब क्विट करके एक राउंड द वर्ल्ड टिकट लेकर दुनिया देखना चाहती हूँ. एक दिन. एक दिन.
पर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा ये एक दिन आ गया? मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ, इतना आसान नहीं है मेरे लिए कि जब जो चाहा कर लिया। मैं अकेले दादी के साथ रहती हूँ, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मुझ पर। एक दिन, एक दिन। तो तुम्हें डांसिंग का शौक है? यहाँ? या? No way. वो तो मैं बस अकेले में कभी कभी। शर्लिन, पास आओ। पास आओ। थोड़ा तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ये एक दिन का मतलब है कभी नहीं? आज दादी की जिम्मेदारी, कल हस्बैंड की, परसों बच्चों की। आई थिंक जो करना है ना वो आज करना चाहिए। मैं तो रोज ये मानकर निकलता हूं कि ये मेरा आखिरी दिन है। सो ऑल आई हैव इज एक दिन। अपनी लिस्ट जिस दिन शुरू करोगी, तुम्हारा एक दिन आ जाएगा। पर आंखें बंद करो। हाँ? आंखें बंद करो। ऐसी क्या चली हवा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास, और मुझे हुआ ऐसा। तू 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 मेरी री री, मैं तेरा रा होने लगा। मगर ना है मुझे ना तुझको कोई खबर, पर ये दिल तब से है कहने लगा। तू 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 मेरी री री, मैं तेरा रा होने लगा। मैं तेरा रा रा, तू मेरी री होने लगी। न जानू मैं न जाने तू हुआ ये जादू कैसे, जो मेरा था वो खो गया, जो तेरा मिल गया वो जैसे। इस दिल ने जब जाना के बस तू 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 मेरी री री, मैं तेरा रा होने लगा। मैं तेरा रा रा, तू मेरी री होने लगी। जैसे अजनबी जहाँ आके लग जाए गले, जैसे तू चले और दुनिया तेरे संग चले, जैसे रात चुपके से तेरे कानों में कहे के अब तो जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों। तू 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 मेरी री री, मैं तेरा रा होने लगा। चली हवा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास, और मुझे हुआ ऐसा। तू 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 तू
बैंक की सारी लड़कियां जल के मर जाएंगी। तुम्हें नहीं लगता एक दिन का मतलब है? कभी नहीं। आई थिंक जो करना है वो आज करना चाहिए। देखिए कितना शांत, कितना सिंपल। Yes, Harleen Sahni. He's right. ये वक्त फिर कभी नहीं आएगा। मैडम TrueLove.com हरलीन माइसेल्फ विकी, मैं सो सॉरी हूं, मेरे मोबाइल का टायर भी पंचर हो गया और मेरी बैटरी की गाड़ी भी डेड हो गई। वो विकी कहां है? ये बिल छोड़ गया। इतना लंबा कि फर्नीचर का बिल कौन भरेगा, मेरा चाचा या मामा? पैसे तो आपको देने पड़ेंगे मैडम। वसीम बैंक मेरे मामा जी का है। चाचा नहीं है, मामा जी है। ये उनका कार्ड है, वो भर देंगे। सॉरी। चूलाव कभी गाड़ी के सामने आ गया तो ब्रेक नहीं एक्सेलरेटर दबा दूंगी। I'm good. तुम? Hi. राजवीर। क्या? मेरा नाम? क्या? Sure. जैसे इतनी झूठ के बाद ये सच है। नाम झूठ था, पर I swear, बाकी सब, सब सच था। एक सेकंड। तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। शायद एक एक क्या? एक किस? किस? तुम पागल हो, मैं जा रही हूँ। मुझे सीरियसली लगता है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। वो तुम्हें मेरे साथ रेस्टोरेंट में देख चुके हैं। कौन? वो जो ये सोचते कि तुम कुछ जानती हो। मैं क्या जानती हूँ? कुछ नहीं, पर वो ये नहीं जानते। वो नहीं जानती कि मैं कुछ जानती हूँ। नहीं, वो ये सोचते हैं कि तुम कुछ जानती हो, पर वो ये नहीं जानते कि तुम कुछ नहीं जानती। मैं क्या जानती हूँ? कुछ नहीं। तो वो ये जानती है क्या? स्टॉप! आओ, मैं इस गोली से नहीं कंफ्यूजन से भर जाऊंगा। आओ। हरलीन सहानी, तो तुम कह रहे हो कि वो लड़की इसके साथ थी? यस सर, और ये उसके मामा जी का कार्ड है सर। सर प्लीज हमारे पैसे निकलवाइए। करण सक्सेना, मेरी बात सुनो। मैंने कुछ चुराया है। क्या? गोली मैंने निकाल दी है, सीना बाकी है। सीना? Yeah, so, तुम ये टॉर्च पकड़ो, यहाँ पॉइंट करो, यहाँ। मुझसे नहीं होगा। होगा, of course होगा। Yeah, come on, help. बस यहाँ, perfect. Okay. Oh. Steady. Steady. Perfect. Excellent. आज तक किसी को टॉर्च इतनी परफेक्टली पकड़ते हुए नहीं देखा। थैंक्स। स्टडी स्टडी डन स्टडी ही ऑलमोस्ट डन। इट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। हे,
जान, ये लो पानी पी लो। राजवीर नंदा, इंटरनेशनल क्रिमिनल, पैथोलॉजिकली साइकोपैथिक स्किज़ोफ्रेनिक। मुझे साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। What? नहीं, पर वो ऐसा कहेंगे। पानी में क्या था? बेहोशी का ड्रग। क्यों? Now listen to me। दो तरह के लोग तुम्हारे पास आएंगे, एक जो गवर्नमेंट एजेंट्स हैं और दूसरे जो नहीं है। दोनों मेरे बारे में कुछ पूछेंगे। जब तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे तो वो कहेंगे कि वो तुम्हें एक महफूज जगह ले जा रहे हैं। महफूज को ऐसे क्यों कह रहे हो? Listen to me. जिस गाड़ी में वो तुम्हें ले जाएंगे उस गाड़ी में एक गन छुपी होगी। गन? अगर स्कोडा हुई तो लेफ्ट सीट के नीचे, और अगर टोयोटा हुई तो राइट सीट के नीचे। ओके। उस गन को संभाल के निकालना, उन्हें डराना और भाग जाना। भाग? और अगर मेरे बारे में कुछ पूछें तो मैं तुम्हें नहीं जानती। नहीं जानती? मैं बिल्कुल नहीं जानती। परफेक्ट। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। शोएब कहाँ है? मैं किसी शोएब को भी नहीं जानता। पाक कसम, मामा जी की कसम, वो तो जिंदा भी है अभी। इस कोड का क्या मतलब है? हरलीन बैंक रिसेप्शनिस्ट। कौन सा कोड? हरलीन? ये कोई कोड वर्ड नहीं है, हमारी बैंक के रिसेप्शनिस्ट का नाम हरलीन है। हाँ, क्या है माँ का दही? भाई वो हाथ से निकल गया। हाथ से निकल गया? पकड़ने कौन गया था? पैसे देकर हीरा लेना था, that's it। शोएब ने जबरदस्ती लेने की कोशिश की लेकिन ले नहीं पाया। भाई उसके साथ एक लड़की भी थी। कि तुम्हारा ये एक दिन का मतलब है कभी नहीं? अपनी लिस्ट जिस दिन शुरू करोगी तुम्हारा एक दिन आ जाएगा। क्यों भाई, क्या बात है? रात को वापस कब आई? अरे बेवकूफ, मैं तेरे माँ बाप की तरह ओल्ड फैशन नहीं हूं। कौन था? राजवीर, नाम झूठ था, प्राइस हुए, बाकी सब सब सच था। पता नहीं, कमाल है। सारी रात उसके साथ रही, उसका नाम तक नहीं पूछा। भाई इतनी मॉडल तो मैं भी नहीं।
समझ गई, तेरे दिल की तिजोरी से कोहिनूर चोरी हो गया। उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, उफ, तूने आके बिन किराए ये जगह ली, कुछ कह भी ना सकी, ये कैसी बेबसी, यूं चुपके चुपके आया बिन बुलाया मेहमान, उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमाया वो, हमको ना खबर कब कैसे आया वो, क्या फरमाया वो, हो उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, उफ, तूने आके बिन किराए ये जगह ली, कुछ कह भी ना सकी, ये कैसी बेबसी, यूं चुपके चुपके आया बिन बुलाया मेहमान, उफ, मेरे दिल में थोड़ी, उफ, मेरे दिल में, उफ, उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। कराओगी ख्वाबों में हमसे, बदलूं मैं रंग कितने खामखां, उड़ा उड़ा बन के गुब्बारा, मेरा दिल बुद्धू बेचारा, हौले हौले तूने पुकारा, जहां भी वहां ये जाए, चल चल यूं आंखें मीचे, धीरे धीरे ये तेरे पीछे, जरा जरा ये खींचे खींचे, देखो ना देखो हमको ना खबर कब कैसे आया वो, तो तेरी वजह से है सारा जहां नई जगह सी है, सबको खबर और सबको पता भी है, ये जो हुआ देखो अभी तो छोड़ो तुम भी, अब ये बहाना तो दिल के बदले दिल नजराना दो, हो उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुश खुश क्या फरमाया वो, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह, ओ मैडम, ओ मैडम, क्या हो रहा है, ऑफिस है, घर नहीं है, फोन बज रहा है तुम्हारा, उठाओ। Hello, Bank of Shimla. No, sir, wrong number. Hi, how can I help you? Khola. Ji? Bada. Bahut bada account kholna hoga. Sorry, sir. Kyunki kal raat jo kaam aapne kiya, uske liye kaafi paise mile honge aapko. Excuse me? What nonsense? Maybe. शायद सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए नेट पे वो साइट truelove.com क्या होता है इस साइट पे? मैं गया था जिस साइट पे, रात को बड़ा दिलचस्प सा मामला हो जाता है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था जी, इन्वेस्टिगेशन ना, और कोई बात नहीं। जोरावर कालरा, गवर्नमेंट एजेंट, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है, बातचीत करनी है, पूछताछ। वैसे आप चाहें तो यहां भी कर सकते हैं, सबके सामने। मैं
मिर्ज़ानी, कल रात आप जिस आदमी के साथ थी वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, मेंटली अनस्टेबल एंड पैथोलॉजिकली साइकोपैथिक स्किज़ोफ्रेनिक। उसने कहा कि आप मुझे ये सब कहेंगे। जैसा मैंने सोचा था, he's too smart. Use कर रहा है वो आपको। Just have a look. इस तरह के क्रिमिनल्स बहुत चार्मिंग होते हैं। वो ड्रग कर सकता है आपको, मार भी सकता है, जान ले सकता है आपकी। Excuse me, पुलिस स्टेशन रह गया पीछे। हाँ, आपकी जान को खतरा है इसलिए आपको महफूज जगह लेके जा रहे हैं। महफूज? पर आप इस तरह के पूछ रही? ऐसे ही। अगर स्कोडा हुई तो लेफ्ट सीट के नीचे, और अगर टोयोटा हुई तो राइट सीट के नीचे। ये कौन सी गाड़ी है? हुंडा की है जी। क्यों? अच्छी है। माइलेज क्या देती है? हैबे पे 10-11 का दे देती है। और फिर ड्राइवरी पे डिपेंड करता है, किसी का पीछा कर रहे हो तो एक्सीलेटर ब्रेक ज्यादा दबाना पड़ता है तो मामला 7-7.5 पे आ जाता है। अच्छा, बेचनी है? नहीं सर, सॉरी सर। हाँ बस पहुंच रहा है। गाड़ी रोको। छोड़ी कहाँ पे बंदूक? गन कहाँ से मिली आपको? गाड़ी रोको। चलता रहे कुछ नहीं करेगी। कम ऑन, गिव मी दैट। मैंने नहीं किया। चल जाओ मुझे। मुझे तो सारे भी नहीं आती। कम ऑन। Mind if I drive? Pass! Shift, Arlene. Trust me. Shift! What's up? Yeah!
गाड़ी से उतरना मत। क्या कहा था? गाड़ी से मत उतरना। क्या किया? गाड़ी से उतर गई। हरलीन, अंडरस्टैंड, मेरे साथ महफूज, इनके साथ महफूज। महफूज या महफूज, महफूज। ये पकड़ो, थोड़ा। Thank you. You're in shock. I understand. तुम ये लोगों को मैं उन्हें समझा क्या था? Actually, you know what? मैं झूठ नहीं बोलूँगा. I'm just gonna go shoot them. By the way, तुम गाड़ी चलाती बहुत अच्छी हो. I mean, तुम्हारी वजह से आज हमारी जान बची है. Just, I want you to know that. I was really impressed. ये लोग को आ गया. Please come. हरलीन, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। करण, मैं बहुत मुसीबत में। मुसीबत? तुम्हारी वजह से मुझे थप्पड़ पड़े। मुझ पर गोलियां चली। मेरी 40,000 की शैंपेन पी गए। कौन? गवर्नमेंट एजेंट्स। क्यों? क्योंकि तुम शोएब की एजेंट हो। कौन शोएब? उमर जफर का खास आदमी। कौन उमर जफर? एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? ये वही है जिसकी वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़े और मुझ पर गोलियां चली। राजवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजवीर? ओ, कौन है राजवीर? जिसका दायां हाथ तुम्हारे गाल पर पड़ेगा अगर तुम चुप नहीं रहोगे। अब मेरी बात आराम से सुनो। मैं तुम्हारी कार ले जा रहा हूँ। ओ हेलो राजवीर जफर। कार की तरफ आंख उठा के देखा ना तो हाथ तोड़ दूंगा। कुंफू कराटे में ग्रीन बेल्ट हूँ। मेरी फ्लाइंग की कितनी फास्ट है, उड़ते पंछी को हवा में गिरा देता हूँ। तुमने मुझे गोली मारी। हरलीन, कार में बैठो। तुमने उसे क्यों मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? हरलीन, कार में बैठो। हरलीन, कार में मत बैठना। हरलीन, हरलीन, कार में बैठो। फ्लैश वुंड, हड्डी के आसपास भी नहीं। गुड शॉट। हाँ, वेरी गुड। पर क्यों? अबे, फ्लाइंग किक मारने वाला था, चांस नहीं लिया। अब सुन, हमारे जाने के बाद 100 दिन फिर पुलिस एम्बुलेंस सबको बुला लेना। 100 के पहले बुलाया तो वापस आकर गोली मार दूंगा। पर तुम्हें पता कैसे चलेगा? बेवकूफ सवाल पूछोगे तो भी गोली मार दूंगा। 200 तक गिनूंगा मामा जी की कसम। गुड। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। 1 मामा जी, 2, 3 मामा जी। बाय द वे, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तो क्यों मारा? जो गोली नहीं मारना चाहते वो गोली नहीं मारते। इस गोली से वो शहर का हीरो बनने वाला है। पागल हो, you're insane. तुम left, right, जो भी आया, उसे गोली मार रहे हो। It's just not normal. ये किसी भी definition से normal नहीं है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। Please गाड़ी रोको, मुझे घर जाना है, तुमसे दूर। Relax, Helene. Just calm down. शायद उन लोगों के साथ ही महफूज थी। क्या कहा? और मेरे साथ तुम्हें डर लग रहा है? मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। Really? Oh,
ओके ओके देन बात तो सुनो मेरी बात तो सुनो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू क्यों नहीं बात करनी आई डोंट वांट टू टॉक व्हाई मेरे को बात नहीं करनी ओके आई एम सॉरी नहीं करनी बात प्लीज प्लीज बेगा एक्सक्यूज मी सॉरी एक्सक्यूज मी तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो जवाब दो अगर मेरी जरूरत नहीं थी तो करण को गोली क्यों मारी और इस गाड़ी के पीछे क्यों पड़े हो यही गाड़ी नहीं चाहिए थी तो चुराई क्यों फिर कहते हो तुम पागल नहीं हो क्या चाहती हो साथ रहूं तो प्रॉब्लम है दूर जा रहा हूं तो प्रॉब्लम है लुक आई एम रियली सॉरी कि हमें साथ रहना पड़ रहा है पर वो सिर्फ इसीलिए ताकि तुम जिंदा रहो अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं यू आर डेड डू यू अंडरस्टैंड दैट डेड और शायद तुम्हें अजीब लगे लेकिन तुम्हें बचाने के अलावा मेरे पास और भी काम है और काफी इंपॉर्टेंट काम है यू नो व्हाट I don't really care anymore. ये रही चाबी, वो रही गाड़ी. Drive home. से आज तक किसी बेगुनाह की जान नहीं गई नहीं चाहता कि तुम डरियो खासकर जब तुम जिंदगी भर उसे एक दिन का इंतजार करती रही हो तुम्हारे सारे प्लान्स तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाते भूख लगी खा लेते तुम्हारे पास पैसे हैं अरे तुम तो बैंक में काम करती हो That's so stupid. मैं हॉस्पिटल में काम करती तो मेरे पास दवाइयां होती को गोली मार दो तुम्हें तो शौक है ना गोली मारने का अगर वो फीमे खाना नहीं देगा तो उसे गोली मार दो अगेन रियली मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए गोली मारी थी प्लीज कैन यू मूव ऑन फ्रॉम दैट नाउ मैंने कब कहा कि मेरी हेल्प करो आई कैन मैनेज हां कैन आई टेक योर ऑर्डर सर मेरी लाइफ परफेक्ट थी जब तक कि तुम मुझे मिले परफेक्ट हाँ इसीलिए इंटरनेट पे लगी हुई मी हरलीन बैंक रिसेप्शनिस्ट प्लीज मीट मी प्लीज समबडी प्लीज इंटरनेट हेलो हेल्प हेलो कोई तो सुनो हेलो एनीबडी आउट देयर हेलो प्लीज समबडी नोबडी नो यार हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि थिन क्रस्ट या स्टफ क्रस्ट दैट्स द प्रॉब्लम सो व्हाई डोंट यू ट्राई अ पैन पिज्जा क्या लोगी हनी कॉल मी हनी देन गिव मी सम मनी
Actually, you know what? मैं इसे गोली मार देता हूँ. What am I thinking? I should just do it. ये लो पैसे. किसी को गोली मत मारना, please. Two pan pizzas, please, and two Mountain Dews. और हमारे सामने करण सक्सेना जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक खतरनाक मुजरिम को रोकने की कोशिश की. उसने हरलीन पे बंदूक चलाई. मैं कूद कर सामने आ गया. पर गोली तो आपके पैर पे लगी है. कुंग फू स्टाइल जंप था. मेरी फ्लाइंग की तो मामा जी इतनी फास्ट है कि मैं उड़ते पंछी को हवा में मार के गिरा देता हूँ. ऐसा क्या किया है तुमने कि इतने सारे लोग तुम्हें मारना चाहते हैं? सॉल्व करो फिर बताओगी. पेपर नहीं पढ़ती. प्लीज तभी ये फोन है जो केस से शुरू होता है. अभी मुझ पर भरोसा है. Yeah, right. इसलिए अब तक तुमने अपनी आवाज ऊंची नहीं की. तुम जब चाहो मुझे कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो. तुमने कोहिनूर क्यों चुराया? उमर जफर के लिए. आसपास बच्चे हैं, फैमिलीज हैं. आराम से बात करें. उमर जफर, इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट हमेशा उसी के नाम से शुरू होती है. उसने कोहिनूर की चोरी पे इनाम रखा, इन्होंने चुरा लिया. रेस्टोरेंट चारों तरफ से घिरा हुआ, बचना मुमकिन नहीं. इसलिए अगर चुपचाप हमारे साथ चलो तो सबके लिए बेहतर हो. जहां तक मैं जानता हूं ये चुपचाप हमारे साथ चलेगा नहीं. इसलिए यू डिसाइड, आपको हमारे साथ महफूज रहना है या चोर के लिए शहीद होना. डिसाइड नाउ. क्या ये सच है? यू नो, इस सब के बावजूद मेरा दिल कह रहा था कि तुम अच्छे हो, पागल हो, लेकिन बुरे नहीं, क्रिमिनल नहीं. मैं गलत थी. मैं जा रही हूं. I'm sorry, हरलीन, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता. जंप सर जी, वैसे रास्ता नीचे को नहीं सिर्फ ऊपर को जाता है सर जी. ये आदमी इतनी आसानी से ऊपर जाने वाला नहीं है. कोई ऊपर है जो इसकी मदद कर रहा है. Thank you.
गुड मॉर्निंग। तुमने मुझे गोली मारी। तुमने मुझे गोली मारी। गोली मारी होती तो श्श करने की जरूरत नहीं होती। डांट था, डांट, बेहोशी था। जो भी था क्यों था? हे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। डांट था, बेहोशी का, मैं मर सकती थी। श्श, क्या समझते आपने आपको? तुम्हारे फायदे के लिए मैंने तुम्हें बेहोश किया था। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो वो मुझे मार देते। राइट। वैसे मेरी शॉपिंग में काफी अच्छी लगी है। अब धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखाओ। और कपड़े नहीं है हमारे पास। मेरे कपड़े किसने बदले? रिलैक्स, मैंने खुद बदले। तुमने? आई स्वेयर। तुमने मेरे कपड़े बदले? हाँ। ओ, आई सी। कम ऑन अजी, ये 50 गार्ड्स और 100 सिक्योरिटी कैमरा से बचकर टावर ऑफ लंदन से मैं कोहिनूर निकाल सकता हूँ, तो क्या बंद आंखों से तुम्हारे कपड़े बदल नहीं सकता? हाँ, ये नहीं कह रहे कि मेरी आंखें बंद थी, बट आई डिजर्व दैट। अच्छा, एक वो देखो अर्जुन, ये जो मार्शल आर्ट जिसमें तुम वाकई बहुत अच्छी, ये बात नहीं करते। अब मुझे जरा भूख लगी है, खाना खाएं? खाना खाते। आओ, मैं अपने लॉयर की सलाह लिए बगैर किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। दादी, आप ही अमेरिकन सीरियल देखना बंद करें प्लीज। हेलो दादी। कौन? हरलीन। ये देखो, हरलीन का फोन आया। हेलो दादी, दादी। लोकेशन ट्रेस हो गई सर। हो गई साइट सीइंग। काफी बड़ा आइलैंड है। तुम मुझे मारना चाहते हो तो प्लीज मुझे मार डालो। मैं कहां तुम्हें मारना चाहता हूँ हरवी, मैं तो सिर्फ हमारा अधूरा डिनर पूरा करना चाहता हूँ। कम ऑन। खाना भी बना लेते हो? स्कूल में मेरा थर्ड सब्जेक्ट कुकरी था। कौन से स्कूल गए थे तुम? डीपीएस। दिल्ली पब्लिक स्कूल? देहरादून पब्लिक स्कूल। तुम कौन हो? चोर। तो वो सच कह रहा था कि कोहिनूर तुमने उमर जफर के लिए छुराया? हाँ, पर क्या मैंने कहा कि मैं उसे दे रहा हूँ? तो फिर क्यों चुराया? ताकि कोई और चुरा के उसे ना दे दे। मेरे पास ये महफूज है। तुम पुलिस में या गवर्नमेंट में किसी को क्यों नहीं दे देते? तुम लड़कियां कितनी क्यूट हो, किसी को क्यों नहीं दे देते? हरलीन, उमर जफर की पहुंच पुलिस और गवर्नमेंट के हर कोने तक है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। राइट। तो प्लान क्या है? प्लान, कोई प्लान नहीं। इस वक्त हर कोई ये सोच रहा होगा कि मेरा प्लान क्या है और काउंटर प्लान बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अगर मेरा कोई प्लान नहीं तो मुझे पकड़ेंगे कैसे? That is the
stupidest thing I ever heard. Yeah? So, ye tumhara hideout hai? Yes, one of them. Aise kitne hain? 12. Nahi, 11. Burma wala pichle maine blast ho gaya. तुम्हारी सारी बातें कितनी बुलशिट लगती हैं। तुम कौन हो, क्यों और क्या करते हो? I'll never know. मैं किसी आदमी नहीं देखा, मैंने कोई फोन नहीं किया, और तुमने भी मैंने एक फोन तुम्हारे फोन से और हार्ली किस बात के लिए मारूं? इसलिए कि मुझे पकड़ने आए हो या पकड़ने के लिए सिर्फ चार आदमी लाए हो? कोहिनूर चुराया यार, कुछ तो इज्जत कर। देखो कोहिनूर दे दो, वरना जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? मैं नहीं जानता। बोल। जफर किसी से नहीं मिलता। तो ये कोहिनूर किसे देने वाला था? बोल दे, जफर तेरी लाश को शाबाशी देने नहीं आने वाला। कुल, हमीद कुल, मेरा काम कोहिनूर हमीद भाई को देना था। वंडरफुल। और कहाँ मिलेगा ये भाईजान? सोच ले, गुल या बत्ती गुल? बता दो बेलेर, प्राग, बेलेर। Jason! Thank you.
Welcome to Prague. हम एक जगह पे ज्यादा देर नहीं रुक सकते. So we should. You know, मेरी लाइफ बहुत सिंपल थी. बस मैं और दादी, बैंक और घर. इससे ज्यादा ना देखा ना सोचा. पर जब से तुम मिले, जिंदगी एक एक्शन फिल्म की जैसी हो गई है. पता नहीं अगले पल में क्या होगा, पर अब डरती नहीं. आई ट्रस्ट यू. दुनिया देखने की विश पूरी कर दी तुमने, और तुम्हारी भी तो कोई विश होगी. हमें चलना चाहिए. तुम्हारा एक दिन क्या है? घर. इस सब के बाद अपने घर. एक दिन. कहाँ जाना है? झुकाया जब जैसे दरगाह पे बांधे धागे, तब बिना मांगे ही मिल गया है सब. मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ. बस तू सोचे और पूरे मैं कर दूं. अभी अभी तो हम अधूरे थे, पूरे हो गए तेरे रूबरू. ये भी दिखे ना कहां मैं खत्म, कहां तू शुरू. आंखें तेरी गिरती है जब, अब तो नींद आती है तब. हमको लगता है कुछ दिनों से अब तू इबादत है, तू ही है मजहब. बेवजह कैसे, क्यों, कहां और कब. मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब. मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब. Oh, 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 oh
रब ने बनाया सबको, पर कौन बताए रब को, मर के तुम पे हम सांस लेते हैं। रब से करो जो दुआएं, अब ये तुझी तक जाए, तो जो सुन ले तो सुनता ये रब है। जाने ना जहां, जाने है कहां, मिली थी मेरी तेरी हमें हाँ। सच है यही तुझसा कहीं नहीं है नहीं, मेरी राहें आए तुझ तक इस जन्म से हर जन्म तक। वक्त को रोके आ जरा साब, उसको समझा दे इश्क का मतलब, छोड़ के जिदिये मान लेगा। मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब, मेहरबान। हम नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको। रूम सर्विस से खाने के लिए कुछ मंगवा लो। आई बिलीव द सुशी इज रियली गुड। मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके नो, तुम नहीं जानती पर तुम्हें मेरी जरूरत है। फॉर योर टीम नाउ हर्लिन, साथ ले चलो, नहीं तो पीछे पीछे आ जाऊंगी। तैयार हो जाओ। इसके बारे में सोचा भी नहीं। झूठ, तुमने सोचा? नहीं, तुम सोच रहे हो। नहीं, तुमने आज तक किसी को किस नहीं किया? ऑफ कोर्स किया है। रियली? कब? स्कूल में? नहीं, उसके बाद। इम्पॉसिबल। बस मुझे बताए किस कैसे करते हैं। तुम इसे किस कहते हैं? हाँ क्यों, किस इसे कहते हैं?
किसी को ढूंढना है जिसे मैं कोई नूर दे सकता हूँ। किसे ढूंढना है? हामिद गुल। Excuse me, I'm looking for Mr. Hamid Gul. There he is, ma'am. See, वो रहा हामिद गुल। तुम ऐसा नहीं कर सकते। Please just leave this to me. Okay. तुम jealous हो क्योंकि मैं तुमसे better हूँ और तुम मुझे यहाँ लाना नहीं चाहते थे। Beginner's luck. Now agent 000. चलो किस्मत आजमाते हैं। Fortune red. Wow. इतने पैसे? Changing 50,000. Place your bets, ladies and gentlemen. मुझे खेलना नहीं आता। सारे पैसे नंबर 31 पे डाल दो। सारे? सारे। More bets. Thirty-one black. Congratulations. Congratulations, sir. Up. Place your bets, please. 26. Okay. The winner is 26 red. बस अभी बहुत पैसे जीत लिए। चलो लेट्स गो। चलो 17। नो नंबर 17। आर यू श्योर? ओके 17। नो मोर बेट्स। द विनर इज 7 रेड। ओ ये नो। अब कंफर्म हो चुका है, 17 मतलब खतरा। मैं क्यों कहा 17? एक मिनट पहले मैं कितनी रिच थी। एक मिनट पहले तुम्हें रूले खेलना भी नहीं आता था। मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, जब जीत रही थी तो सब ठीक था। मुझे हग और किस करी थी। तुम सब लड़कियां एक जैसी होती। How dare you? Perfect. क्या? Hit me. No. Just hit me. I'm sorry. मैं ऐसे किसी पर हाथ नहीं उठा सकती। हाथ उठाना नहीं आता, किस करना नहीं आता। आता क्या है? इंटरनेट पे रोमांस की भीख मांगना। Thank receptionist. Good, very good. Good. अब बाथरूम जाओ और जब वो वहां पर आए तो उसे कहो कि तुम्हें 5 मिनट में मिले अकेले। Go, go, go. Go to hell. कितने बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास हीरा होता है और वो उसकी कीमत नहीं जानते। हीरा नहीं, कोहिनूर। कोहिनूर चोरी भी हो सकता है। वो चोर पर डिपेंड करता है। हामिद गुल, चोर की नियत? चोरी, कोहिनूर कह रहा था। खुली हवा। 15 मिनट में 2 ग्लास शैंपेन और एक चोर टेरेस पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। 5 मिनट, ये ना हो कि कोहिनूर कोई और चुरा ले जाए। नाइस। वेल डन। अब तुम होटल जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तो उसके बाद तुम हम, I mean, हम। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल पागल हो। मैं वेट करूंगी। Whiskey and the rock, huh? Salaam alaikum, Hamid Gul.
मुझ तक कैसे पहुंचे? कोई नूर चुराया यार, कुछ तो इज्जत करो। लेकिन अगर जानना ही चाहते हो तो तुम्हारा पता तुम्हारे खास आदमी रॉबर्ट ने मुझे बताया। सिर्फ पता, तरीका मेरा था। चोर हो, चालाक नहीं। पैसे तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलने वाले थे, अब हीरा भी गया और जान भी। पैसे ही चाहिए होते तो कोहिनूर तुम्हें क्यों बेचता? तो चाहते क्या हो तुम? उमर सफर, तो कोहिनूर क्यों, कौन हो तुम? बता कहाँ है जफर, बता। बता दे जफर कहाँ है, बता। जफर कभी नहीं। सिर्फ कोहिनूर को महफूज रखना चाहता है। कोहिनूर तो लंदन में महफूज था जब तक उसने चुराया नहीं। वो नहीं तो कोई और चुरा लेता। अच्छा, अगर इतना ही आसान था तो 150 साल से किसी ने क्यों नहीं चुराया? अच्छा, और क्या क्या है जो उसने तुम्हें बताया जो सच हो? उसने कहा कि तुम मुझे मार दोगे। पर आप तो जिंदा हैं, इस वक्त कहाँ है वो? वो किसी हामिद गुल के साथ है। हामिद गुल मर चुका है, he is dead. इंटरनल सीक्रेट सर्विस चीफ मिस्टर नारायणन। और उसी टेरेस पर उसकी लाश मिली। इसका मतलब जानती हो? मिस अलीन, आज आप एक इंटरनेशनल क्रिमिनल हैं। आपको मारना हमारे लिए सबसे आसान काम होगा, लेकिन हम जानते हैं कि सच क्या है। मिस अलीन, आपके पास एक मौका है अपनी जिंदगी वापस पाने, अपनी दादी के पास वापस जाने का, और वो मौका इस ट्रांसमीटर में कैद है। आज आप एक इंटरनेशनल क्रिमिनल हैं। I trust you. अच्छा, और क्या क्या है जो उसने तुम्हें बताया जो सच हो? हम यहां नहीं रुक सकते। Let's go. वहां से निकले कितनी देर हो गई? कहां थी तुम? सच कहूं या तुम्हारी तरह झूठ बोलना शुरू कर दूं? कौन सा झूठ बोला मैंने तुमसे? सब झूठ ही तो कहा है, अपने बारे में, हमारे बारे में, हामिद गुल के बारे में। मार दिया ना तुमने उसे। किसने कहा तुमसे? जोरावर। तो तुम्हारे पास कोहिनूर अब भी है?
जिंदगी बनकर मुझसे मिले। रहने देना था ना मुझे अकेले, क्यों कुछ सपने पूरे करके और सपने दिखाए। सब पूरे करूंगा मैं, ट्रस्ट मी। बस अब नहीं करना चाहती। तो फिर इंतजार किसका? से नहीं तो डूब कर तो मर ही गया होगा। तुमने अपनी जिंदगी वापस जीत ली। गुरु का शुक्र है कि तू घर वापस आ गई। तेरे बिना ये घर घर नहीं लगता। इस सब के बाद अपने घर। कौन सी स्कूल गए थे तुम? देहरादून पब्लिक स्कूल। क्या ढूंढ रही हो? एक्चुअली सर, मैं पंकज। क्या? एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो? ये चोरों की तरह घर के बाहर घूम रही है और तुम मुझसे पूछ रही? नहीं नहीं सर, सर इंटरनेट पे आपने ये बुक्स ऑर्डर किए थे। मैंने कोई बुक्स ऑर्डर नहीं की। पंकज तुम भी कुछ याद तो रहता नहीं है। अब ये स्टूपिड गन अंदर रखो। बेटा आप अंदर आइए। आपका घर बहुत प्यारा है। आप कब से यहाँ हो? इस घर में पता नहीं पंकज, 40 साल तो हो गए होंगे ना। थैंक यू। जितने हमारी शादी को हुए। इट्स ब्यूटीफुल, सब कुछ नया नया सा है। हाँ, वो जब पंकज की दूसरी लॉटरी लगी तो आपने 2 बार लॉटरी जीती। या ही इज रियली लकी, है ना पंकज? इतना लकी के? हाँ हाँ जानती हूँ। अब ये कहेंगे कि इन्हें याद नहीं कि लॉटरी की टिकट कब ली, जैसे इन्हें याद नहीं कि बैंक की लकी ड्रॉ में कब हिस्सा लिया, और अब ये इंटरनेट की किताबें कब ऑर्डर की ये भी याद नहीं। मैं चाय लेके आती हूँ। सर
ये राजवीर का हाइड आउट है ना? एक्सक्यूज मी, मतलब क्या? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, अब मुझे ऐसे मैं चलती हूँ. हमारे बेटे, बहादुर बेटे, ये वीरेन है, डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, और ये जय, ये भी आर्मी में था या है पता नहीं. कारगिल में पोस्टेड था जब वीरेन की खबर मिली, और उसके बाद कहते हैं एक मिशन पर था और लेक में पानी बहुत गहरा था और कुछ नहीं हुआ उसे, लोग कुछ भी कहें. ये ट्रॉफी उसने स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में जीती थी. वो अकेला था जो एक सांस में पूरी लेक पार कर सकता था. मैं नहीं मानता उसको कुछ हो सकता है. Excuse me, कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं. कोहिनूर कहाँ है? मैं नहीं जानती, प्लीज मुझे जाने दो. जफर, उमर जफर नाम है मेरा. तुम्हारे पास कैसे? कैसे नहीं, क्यों? ये मेरे पास क्यों? ये चाहिए नहीं था तो चुराया क्यों? असली कोहिनूर कहाँ है? ये नकली था? असली होता तो हथौड़ा टूट जाता, हीरा नहीं. काफी दिनों से राजवीर के साथ थी. अक्ताबर? जोरावर, इसलिए इतनी आसानी से नहीं बताएगी. तुम इनके साथ? मुझे जो कोहिनूर मिला मैंने इससे दे दिया. असली काम में बिल्कुल नहीं जानती. खामोश रही तो हाथ में लगाऊंगा, नहीं तो समझती है ना. That's like a good girl. अब ना कोई मजाक कर पाओगे ना बकवास. अब तुम सिर्फ सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी. बताओ. क्या बताओ? सच. सच कहूं मुझे भटनागर? जोरावर, आप अपनी मूंछों के साथ बिल्कुल साथ इंडियन हीरो लगते हो. क्या? हाँ, और पता है मेरी दादी की लाइफ मेरी लाइफ से ज्यादा एक्साइटिंग है. चुप. सिर्फ ये बताओ कि कोहिनूर कहाँ है. राजवीर के पास है. अगर राजवीर तो मर चुका है. नहीं, वो जिंदा है. ये सब तो उसका प्लान था. ताकि
ताकि तुम सोचो कि वो जिंदा नहीं है। वो ये नहीं जानता कि मैं जानती हूँ कि वो जिंदा है। वो ये सोचता है कि मैं भी सोचती हूँ कि वो मर चुका है। समझी मिस्टर जिंदगी एक सफर। अरे वो जिंदा है तो मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। उस पिच पर उसने खुद ट्रांसमीटर क्लिक किया। चाहता तो भाग सकता था लेकिन उसने जानबूझ के नकली को ही नोट दिया। ताकि मुझे यहां लाया जाए वो तुम्हारे पीछे। Not bad, Harleen. तुम इन सब बेवकूफों से काफी ज्यादा स्मार्ट निकली। मैं सोच भी नहीं सकता यहां तक पहुंचने के लिए कितना दिमाग, कितना हौसला और कितना जुनून चाहिए। जितना तुम सोच रहे हो उससे काफी कम। लकली ना तुम बहुत स्मार्ट हो और ना तुम्हारे आदमी। कौन कितना स्मार्ट है इसका फैसला इतनी जल्दी कैसे होगा राजवीर? फैसला तो तब होगा जब यहां एक की लाश होगी और दूसरे के हाथ में कोहिनूर। अब सवाल बस इतना है कि कोहिनूर देने से पहले तुम कितना दर्द सहोगे? बताओ कोहिनूर कहाँ है, वरना अब दर्द सहने की बारी हरलीन की होगी। बताओ। कोहिनूर वहीं है जहां उसे होना चाहिए, लंदन में। झूठ बोल रहे हो तुम। कोहिनूर चोरी हुआ है, सबको पता है। क्योंकि हमने कहा कि चोरी हुआ है। क्या मतलब? ये इंडियन सीक्रेट सर्विस और लंदन के MI6 का जॉइंट ऑपरेशन था। यहां तुमने कोहिनूर की मांग की, वहां हमारा प्लान बना। कोहिनूर अपनी जगह महफूज है सफर, मगर अफसोस कि अब तुम महफूज नहीं। मतलब कोहिनूर चोरी ही नहीं हुआ? ब्रिलियंट राजवीर, ब्रिलियंट। मरने से पहले अपनी तारीफ सुनना सबको नसीब नहीं होता, लेकिन क्या फायदा? अब तुम अपने आप को कैसे बचाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो देश के लिए लड़ते हैं उनकी मौत का काउंटडाउन तो पहली सांस से शुरू हो जाता है सफर। गौर से देखें आंखों में, इनमें ना मरने का गम है ना मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। बहुत जल्द ऐसी ही आंखों में तुझे अपनी मौत नजर आएगी। कुछ याद है कर्णन नंदा? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? उसका भाई हूं मैं। तेरी मौत का काउंटडाउन तो उसी दिन शुरू हो गया था सफर, और आज खत्म। 10 9
पहला नहीं है ये। और कौन है तुम्हारे साथ? थ्री। अब तू भी नहीं बचेगा। टू। तेरे भाई की तरह तू भी मरेगा। वन। उस इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ सच बोलोगे, दैट्स ऑल, ओके, लेट्स गो। सच है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट की है। दे शूटिंग हर्ली, लेट्स गो। और वो सारे लड़के, दिलीप, जगी, हरभजन, सब सेम। Boring, boring, boring. Look! अब चले। तुम्हारे मसल्स कितने स्ट्रांग हैं। मुझे तुम्हारे कपड़े फाड़ने हैं पर नहीं फाड़ सकता क्योंकि मैं एक्साइटिंग नहीं हूं। हरी, वी हैव टू गो। मैं तुम्हें सेक्सी लगती हूँ। बहुत। तुमने कुछ किया क्यों नहीं? क्या? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? Thank God तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। मुझे सब याद रहेगा। सच तो ये है कि तुम मुझे नहीं चाहते। तुम्हें मैं बोरिंग लगती हूँ। अजवीर? अजीन बाइक पर बैठो। Come on, hurry up! पागल और फिलहाल जिंदा हो। Let's keep it that way, okay? मेरी जिप खोलो। अब? Hug me. मेरे गन्स मिले। तुम बहुत एक्साइटिंग हो रही हो। अब गन्स निकालो एंड शूट। Get up. Go.
इसकी वजह से शोहेब मरा, इसने हामिद गुल की जान ली, और कोहिनूर कोहिनूर तो ये रहा। अगर तुम मुझ तक पहुंच सकते हो तो असली कोहिनूर तक भी पहुंच सकते हो। जब कोहिनूर मिल जाए तो आ जाना और इसे ले जाना। मुझे यकीन है कि तुम मुझे ढूंढ लोगे फिर से। खुदा हाफिज। कम ऑन, थैंक्स।
Well done. Thank you, sir. माँ बाप की जिंदगी भी अजीब है. एक बेटे ने फोर्स के लिए अपनी जान दी और एक बेटा जिंदा होकर भी उनके लिए अब जिंदा नहीं है. हरलीन को घर भेज दिया है और इसे यह कह दिया है कि अब वो तुमसे नहीं मिल सकती. तुम जानते हो कि इस मिशन के लिए जय मर चुका है. अब तुम राजवीर हो. इंटरनल सीक्रेट सर्विसेज को ज्वाइन करके तुमने अपनी जिंदगी हमें दे दी है. हरलिन तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, तुम्हारी कमजोरी बन सकती है. एनीवे, कल तुम्हें एक महफूज जगह ट्रांसफर कर देंगे. Till then, get some rest. Kya tha isme?
मेरे कपड़े किसने बदले? यार तुम बहुत सवाल करते हो। मैंने बदले, और जहां तक मुझे याद है मेरी आंखें भी बंद थी शायद। क्या दिन है आज? एक दिन जाने क्यों
बात कर ले, मुझे बाहों में तू भर ले और सारी रात भर ये चलती रहे फिर कहानी तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी आहों के इशारे। आ जरा समझ ले हम वो सारे के होश अब तो खोने को है, होना है जो होना है रहेगा होके ही, होता है जो मिल जाता है कोई होगा ये जाना मैंने मिलके तुमसे ही। Are you feeling it tonight? I'm feeling it tonight.